खुशियों के दिन कितने थोड़े थे। आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। अब यकीन आने से ज्यादा जरूरी यह है कि कल तुम मम्मी से माफी मांगोगी। मैं माफी अपनी किसी गलती की नहीं बल्कि सिर्फ आपकी खुशी के लिए मांगूंगी। अगर आपको मेरा वहां जाना इतना ही बुरा लगा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर अहमद नेक्स्ट वीक अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे हैं, वो बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप इनको जरूर दिखाइएगा। अल्लाह करे कोई ऐसा मौजा हो जाए। सर वो तो आपके रूम के अंदर आ रहा था, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे बाहर ही पूछ लिया। पता नहीं कैसे कैसे अजीब लोग ऐसे ही मुंह उठा के किसी के ऑफिस की तरफ चल पड़े थे। सर वो तो अपना नाम बिलाल बता रहा था। मैं तो किसी बिलाल नामी शख्स को जानता तक नहीं। अच्छा अगर आप कहें तो गार्ड से कहकर निकलवा दूं? नहीं नहीं रुको, बिलाल 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 कौन हो सकता है? ओ याद आया, बिलाल मेरे ऑफिस का पुराना वर्कर था। तुम ऐसा करो उसको अंदर भेजो, कोई काम हो सकता है उसे। मैं बात करता हूँ उससे। जी मैं अभी भेजती हूँ। कि क्या तुमने मेरी बेटियों को काम पे लगा दिया? तो क्या करूं मैं? भाई हया की शादी के बारे में सोच रहा था और सैरिश को तुमने दफ्तर के धक्कों के लिए छोड़ दिया। मुझे लगता है तुम उन पे बहुत जुल्म कर रही हो। जमाल बात समझने की कोशिश करें, हया अगर जॉब नहीं करेगी तो इस घर को कौन संभालेगा और कहाँ शादी करूं मैं उसकी? पहले लड़का ढूंढा था ना आपने उसके लिए, क्या नतीजा निकला? तो क्या कोई और लड़का नहीं मिल सकता? तो कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं उसके लिए लड़का? चले उसकी अगर मैं शादी कर भी देती हूँ तो फिर इस घर को कौन संभालेगा? वैसे भी सारी जिम्मेदारियां तो आपने मेरे ऊपर थोप दी है, हया के बगैर ये घर नहीं चल सकता। तो क्या सारी जिंदगी घर में बिठाए रखोगी? वो जमाल, जमाल Excuse me, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पे काम कर चुके? आपने ये पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताता आपको? ठीक है आप जाइए। थैंक यू। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ बिलाल कैसे आना हुआ तुम्हारा? लगता है आपका काम हो गया है साहब। कैसा काम? जिसके लिए आपको एड्रेस चाहिए था। मैंने तुमसे घर का एड्रेस पूछा, कोई पिस्तौल की गोलियां नहीं मंगवाई जो तुम पूछने चले आए कि चली या मिस हो गई। साहब काम तो आपका भी कुछ ऐसा ही था,
अब आप छुपा रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे। धमकी दे रहे हो मुझे? क्या कर लोगे तुम मेरा? जो आपको एड्रेस दे सकता है वो हया को भी सब कुछ बता सकता है और नदीम को भी। लगता है तुमने फिल्में बहुत देखी हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। सोच लो साहब, मजदूर आदमी हो, ज्यादा सोचता नहीं। जो कहता हूं बस वो करता हूं। इस ब्लैकमेलिंग की कोई वजह? ब्लैकमेल तो आप कर रहे हो साहब, मैंने तो अपना काम किया है और आपको तो पता है कि काम पैसे के लिए किया जाता है ना, और आप अगर आप इनकार करेंगे तो मुझे किसी ना किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? Everything is perfectly fine. कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं और एक खुशखबरी भी है। कैसी खुशखबरी, जल्दी बताओ। Actually next week एक डॉक्टर आ रहा है abroad से. He is very renowned orthopedic surgeon. डॉक्टर शाइन बता रही थी कि माहिम बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और अपने पैरों पे चलने लगेगी। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बेटा ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं कि को पता तो है आजकल कितनी रिसर्चेस हो रही हैं, आजकल हर बीमारी का हल आ गया है। चलो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैंने माहिन के लिए जूस बनाया, तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूं। ग्रेट, लेट्स गो। मैम ये फाइल देखने प्लीज। रख दो, मैं देख लूंगी। अच्छा सुनो। यस मैम। ऑफिस में कौन कौन है? मैम आप हैं और जफर साहब बैठे हुए हैं, बाकी सब चले गए, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है। जी जी
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने पूरा ऑफिस छान मारा। एक फाइल नहीं मिल रही थी मुझे सर, तो आई थॉट कि मैं खुद ही आके देख लूँ। नदीम सर तो आज जल्दी चले गए ना? यार कल नदीम से पूछ लेना, अभी काफी देर हो गई है, पूरा ऑफिस खाली हो गया। आ जाओ। जी चलिए। पता नहीं नदीम, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। दिल की बातों पे नहीं जाते, दिमाग से सोचते। क्या सोच रही हो? रिपोर्ट्स के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। अच्छे की उम्मीद रखते हैं, और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारे सामने कहा था सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन उसने ये भी कहा था कि रिपोर्ट्स आने के बाद कंफर्म होगा। वैसे यार वो जो डॉक्टर बता रही थी, उस डॉक्टर का जो अमेरिका से आ रहा है, मैं तो इतना खुश हुआ कि बाकी सब भूल ही गया। आपको अब मेरी ये कमी शिद्दत से महसूस होती है ना? मुझे कभी भी तुम में कोई कमी महसूस नहीं है, ट्रस्ट मी। तुम्हारे साथ मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल फील होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो फिर तुम भी ऐसा सोचना छोड़ दोगी। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? देखिए मैंने आपके कहने पे आपकी अम्मी से भी माफी मांग ली। अब मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी बात मानी। नदीम आप मेरा सब कुछ हैं, मैं आपकी कोई भी बात कैसे टाल सकती हूँ? हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि गलती मेरी नहीं है। मैं ये तो नहीं जानता कि कौन गलत। हाँ लेकिन मुझे ये बुरा लगा कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया। माफी चाहती हूँ, पर मैं सिर्फ मोहब्बत चाहती हूँ। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ वो मैं घर के लिए निकल रहा था, सोचा तुम्हें ड्रॉप कर दूं। थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। नहीं सर, मुझे अब आपसे डर लगता है। पहले तो नहीं डरती थी, मेरे साथ कॉफी पीने भी चली जाती थी, अब किस चीज का डर है? तब मैं समझती थी आप मुझसे सीरियस हैं, या फिर यूं समझें कि मुझे अपनी मोहब्बत पे एतबार था। अब कहाँ चली गई तुम्हारी मोहब्बत? मर गई आपकी बातों से। मैंने सुना है कि मोहब्बत कभी मरती नहीं। सर मैं लेट हो रही हूँ, मुझे अब जाना चाहिए। रुको जहरीश, तुम मुझे मेरी मोहब्बत की सच्चाई साबित करने का एक मौका भी नहीं दोगी। आई नो तुम मुझे चाहती हो। अगर आप मुझे चाहती तो कभी भी आप मेरे लिए बुरा नहीं सोचते। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ कर ही माफ कर दो प्लीज। आंटी बता रही थी कि तुम्हारी को बड़ी बहन भी है। मुझसे बड़ी है, वो भी जॉब करती है। मामा ने ये तो बताया होगा आपको? हाँ आंटी ने मुझे सरसरी से बताया था, और ये भी बताया था कि तुम्हारी बहन का बॉस घर भी आता। वो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि हया को पिक एंड ड्रॉप भी करता है, मगर वो उनका बॉस नहीं है, हया का शायद कोई कोलिक है। हाँ फिर तो उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जो वो घर तक आता है।
मे बी। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं आपको फोन कर रही हूँ, आप उठा नहीं रहे। घर पे हूँ। अब तक नाराज है मुझसे? नहीं, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? सॉरी, लेकिन जब मैं आऊंगी तो आपको बताऊंगी, फिर आपको समझ आएगा कि मैं गलत नहीं थी। तुम और तुम्हारा बेटा कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। मैं क्या बताऊं जब्बार आपको, जिस लड़की ने मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के हमारी जिंदगी अजाब बना दी, कुछ तलखियों का जहर वो भी तो चखे, उसे भी तो पता चले, एहसास हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम किन चक्रों में पड़ गई। जब आना हो तो बता देना, अभी मुझे सुनो तो सुबह ऑफिस जाना है। आप इस तरह खफा होंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? जैसे रोजाना आती है। आप रोजाना तो खफा नहीं होते। मैं खफा नहीं हूं, आप खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह मुझे ऑफिस जाना है। जब्बार, हेलो जब्बार। आप देखिएगा डैडी, मैं उस शख्स का हशर क्या करती हूँ। इस हद तक वो मासूर और मफलूज हो जाएगा कि कुछ भी सोचने और समझने के काबिल भी नहीं रहेगा। उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके साथ हुआ क्या है। नहीं डैडी, मैं उसको माफ नहीं कर सकती। उसके ऑफिस में तो मैं दाखिल हो चुकी हूँ, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाऊं, फिर आप देखिएगा कि मैं उसका हशर क्या करती हूँ। आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। यार आज इतनी देर हो गई है जागने में, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं खुद जाग रही होती तो आपको उठा देती। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे ना हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारी रिपोर्ट्स लेने। तो आप ऑफिस से जा रहे हैं? ऑफिस भी जाना है लेकिन पहले हॉस्पिटल जाना है। मैं नाश्ता भी नहीं किया। देर हो रही है, तुम ऐसे करना मम्मी के साथ नाश्ता कर लेना, ठीक है? खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग बहुत देर में हुई है। जी, देर से आँख खुली और नदीम भी लेट हो गए तो ऑफिस के लिए नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने। जानती हूँ, मिलके गया था मुझे। अच्छा चले साथ नाश्ता करते हैं, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं, नाश्ता तो मैं कर चुकी। और एक बात कहूँ बेटा, तो मेरा इस तरह ख्याल ना रखा करो, इसलिए कि मेरा बेटा तुमसे कहीं ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। और वैसे भी मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम उसे दिखाने के लिए ये सब कर रही हो। और मुझे ये फेकनेस बिल्कुल नहीं पसंद लोगों में। अम्मी मैं आपके दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। था आपके लिए एक बैड न्यूज है, आपकी मिसेज मां नहीं बन सकती।
What? क्या कहा डॉक्टर ने? आहिल कभी मां नहीं बन सकती. जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे.